जोहार। उम्मीद है कि आप मन अपन घर में ठीक हो और स्वस्थ हो। आप मतलब पता ही है कि पिछले 2 साल से कोरोना वायरस कितना ज्यादा बढ़ गई, लोग मन कितना परेशान है, जूझा थे और लड़ा थे। और कोरोना वायरस के जो दूसरा लहर है ओकर से लाखों लोग मन के जान तको चले गई। लेकिन एकर से भी खतरनाक बात यह है कि लोग मन ला इलाज बर अस्पताल में जगह नहीं मिलत है, ऑक्सीजन नहीं मिलत है, दवाई नहीं मिलत है, कोई भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। आपसे कोरोना वायरस का लेके ही कुछ बात करने वाला है। अगर आप कोरोना संक्रमित हो, अपन घर में हो, घर में आइसोलेट हो, घर में इलाज करत हो, और अगर आपला ऑक्सीजन की कमी हो थे, सांस लेने में तकलीफ हो थे, तो आपला जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर डॉक्टर की सुविधा नहीं मिलत है, अस्पताल की सुविधा नहीं मिलत है, तो आप मतलब घबराए की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपके सांस में कुछ कमी आते तो आपला हमें एक ऐसे घरेलू उपचार बताओ जिकर से आपला तुरंत राहत मिल सकती। एला अंग्रेजी में प्रोनिंग नाम से जाने जाते हैं। आप मन पहले एक तकिया ले लो और तकिया में पेट के बल उल्टा सो जाओ। आपने ये क्रिया ला आधा घंटा से 2 घंटा तक करे लेगी। और याद रखो कि हर एक आधा घंटा में आप मन ला करवट बदल लेगी ताकि आपके ऑक्सीजन लेवल काफी हद तक सुधर सके। और एक बात जरूर ध्यान रखो कि जब आप एक क्रिया ला करत रहो तब अपन रूम के दरवाजा और खिड़की ला तको खोल ले रहो ताकि आपके ऑक्सीजन काफी हद तक सुधर सके। एक बात की आप मन जरूर ध्यान रखो कि अब आप मन ला एक ऑक्सीमीटर और एक थर्मामीटर दोनों घर में रखे लेगी। थर्मामीटर आपके बुखार चेक करे के काम आई और ऑक्सीमीटर है आपके ऑक्सीजन लेवल ला हर एक घंटा में बताए। और संगवारी हो, अब आप मन ला कोरोना वायरस से डरे की नहीं लड़े की जरूरत है। अब आप मन ला सावधानी रखे लेगी, मुंह में मास्क लगाओ, हाथ सैनिटाइजर करो और जितना हो सके वैक्सीनेशन करो। जितना हो सके सावधानी रखो, स्वस्थ रहो और सुरक्षित रहो। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।